और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी आज अपना कैंडिडेट का नामांकन करेगी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं बद्रीनाथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नामांकन के बाद गोपेश्वर टैक्सी स्टैंड पर बीजेपी की एक जनसभा को भी रखा गया है, जहां पर ये प्रत्याशी अपने चुनाव का प्रचार करेंगे। तो मंगलौर बद्रीनाथ सीट पर नामांकन रखा गया है और चमोली में राजेंद्र भंडारी अपना नामांकन करेंगे। और अगर बात की जाए हरिद्वार में, तो यहां पर करतार भड़ाना का नामांकन होगा। बातचीत करने के लिए पुलकित हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, आज भड़ाना का नामांकन होना है, किस तरह की तैयारी बीजेपी की तरफ से इसे लेकर? जी, मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो कैंडिडेट हैं करतार सिंह भड़ाना, आज दोपहर 12 बजे हरिद्वार के जिला कलेक्ट्रेट में जो चुनाव ऑफिस बना हुआ है वहां नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। 12 बजे का समय बताया जा रहा है और पूरे दलबल के साथ वो नामांकन करेंगे। जैसा कि बीजेपी का तरीका है, नामांकन करने का स्टाइल है उनका, उसमें जो सभी जो नेता है वहां पहुंचते हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नामांकन के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। उनके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके अलावा जो लोकसभा क्षेत्र के सभी बीजेपी विधायक हैं, संगठन के सभी नेता हैं, वो सब आज मौजूद रहने वाले हैं नामांकन के दौरान। और नामांकन के बाद एक विधानसभा क्षेत्र में एक जो है एक जुलूस निकाला जाएगा, एक रोड शो किया जाएगा और पूरी तरह से जो नामांकन के बाद जो चुनाव प्रचार है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि जो मंगलौर विधानसभा की जो सीट है वो बीजेपी उस पर कभी भी जीत अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। जब से राज्य गठन हुआ है, जब से सीट बनी है, तब से वो अभी तक कांग्रेस और बसपा की ही सीट बनी रही है। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक बाहर के एक उम्मीदवार को, वहां पर एक हैवीवेट उम्मीदवार को उतारा है। भड़ाना जो है वो एक गुर्जर नेता है और हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यूपी में विधायक रह चुके हैं और एक जाना माना नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। तो इसलिए उन पर दाव लगाया गया है। मार्च महीने में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, ज्यादा लंबा समय उनको नहीं हुआ है बीजेपी में रहते हुए और तब से ये माना जा रहा है कि मंगलौर की जो सीट है उस पर बीजेपी उन पर दाव लगा सकती है। तो अब फिलहाल जो है पूरी तरह से कैंडिडेट उनको फाइनल कर दिया गया है, आज नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा बीजेपी कैंडिडेट की ओर से। ये तो राजेंद्र भंडारी आज अपना नामांकन, बिल्कुल, और कांग्रेस की तरफ से और बीएसपी की तरफ से आज नामांकन होगा क्या पुलकित? जी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है काजी निजामुद्दीन, उनकी ओर से कल नामांकन किया जाना था, कल उनकी तरफ से पूरा प्रोग्राम फाइनल किया गया था। लेकिन मंगलौर विधानसभा में उन्होंने अपनी विधानसभा में कल एक कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। क्योंकि जो नामांकन का जो समय निर्धारित किया गया है वो दोपहर 3 बजे तक का किया गया था, तो उसमें कार्यक्रम में देर हो जाने के कारण कल उन्होंने नामांकन नहीं दाखिल किया था। आज के लिए बताया जा रहा है, बहुत संभावना है कि आज सुबह के वक्त जो है काजी निजामुद्दीन वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जहां तक बीएसपी की बात है, बीएसपी की ओर से अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया था, लेकिन नामांकन दाखिल करने के लिए 2 दिन बचे हैं, आज और कल के। तो आज अगर नहीं करते हैं तो कल जरूर बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है, नितिन सेमवाल भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, चूंकि बद्रीनाथ सीट पर भी आज बीजेपी उम्मीदवार जो राजेंद्र भंडारी है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह की तैयारी बात करें तो आज बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी भी अपना नामांकन करेंगे और लगभग 11:30 बजे के आसपास नामांकन करने का उनका कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जो है उनका भी नामांकन में रहने की उम्मीद है और वो भी गोपेश्वर में पहुंच रहे। इसके अलावा आज बीजेपी का जो एक जनसभा भी यहाँ पे गोपेश्वर जिला मुख्यालय में रखी गई है, वहाँ पे स्वयं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है वो भी वहाँ पे पहुंचेंगे। तो एक बड़ी जनसभा भी बीजेपी की तरफ से रखी गई है और जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो बद्रीनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होने उसकी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और लगातार जो प्रचार प्रसार है वो बताया जा रहा है कि नामांकन के बाद अब तेजी के साथ प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा। जी चलिए, ठीक है नितिन और पुलकित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन आज हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। बुधवार को काजी निजामुद्दीन को नामांकन करना था लेकिन कल देर तक कांग्रेस की मीटिंग चलती रही, इस वजह से नामांकन नहीं हो पाया, लिहाजा आज काजी निजामुद्दीन नामांकन करेंगे। वहीं बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत बुटोला ने भी अभी नामांकन नहीं किया है। बद्रीनाथ में लखपत बुटोला का नॉमिनेशन कल।
बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों उम्मीदवार जो होंगे दोनों जगहों के, हरिद्वार के और बद्रीनाथ के, वो दोनों क्या आज अपना नामांकन कर देंगे? कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन, उनको बुधवार को नॉमिनेशन करना था लेकिन मीटिंग लंबी चली, कांग्रेस के सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहे, इस वजह से कल नॉमिनेशन नहीं हो पाया। लेकिन काजी निजामुद्दीन आज नॉमिनेशन करेंगे। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कल नॉमिनेशन करेंगे, यानी आज मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन का नॉमिनेशन होगा और कल क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है तो कल लखपत बुटोला बद्रीनाथ में नॉमिनेशन करने वाले हैं, उसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन आज क्योंकि कल नॉमिनेशन नहीं हो पाया मंगलौर सीट पर, इसलिए आज वहां हो सकता है नेताओं की भीड़ थोड़ी कम रहे, लेकिन निजामुद्दीन का नॉमिनेशन आज होगा। और एक सवाल और दीपांकर, चूंकि काजी निजामुद्दीन आपने कहा कि कल बहुत मंथन चला, बहुत मंथन और बैठकों का दौर चला, मंथन और बैठक किस बात को लेकर है? मंथन बैठक बहुत खास बात यह कि मंगलौर सीट क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है और यहां पर कांग्रेस को ये उम्मीद है कि ये सीट उनके खाते में रहेगी। इसमें चाहे इमरान मसूद जो सांसद है सहारनपुर के, वो भी इस बैठक में पहुंचे थे, उत्तराखंड के सभी बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे थे, तो बद्रीनाथ से ज्यादा उम्मीद कांग्रेस और मंगलौर सीट पर लगती है और अभी तक बीजेपी इस सीट को कभी जीत नहीं पाई है। तो कांग्रेस को लगता है कि बीएसपी की जो पोजीशन है इस वक्त कमजोर है इस सीट पर, तो कांग्रेस अपना पूरा दमखम इस सीट पर लगाना चाहती है और काजी निजामुद्दीन 2022 का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं, तो इसलिए कांग्रेस सीट पर पूरी तरीके से फोकस करना चाहती है। नीलू, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उपचुनाव के बाद उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी होगी, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत के नेता सरकार से सैलरी पेंशन के साथ साथ वही सुविधाएं चाहते हैं जो चुनाव जीतने के बाद सांसद विधायकों को मिलती है। अगले 6 महीने में सरकार के सामने 2 चुनाव जीतने की चुनौती है। पहला शहरों में होने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद जिले, ब्लॉक और गांव के पंचायत चुनाव। दोनों चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार और संगठन पूरा दमखम लगाएंगे, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले प्रतिनिधियों की तरफ से नई डिमांड सामने आई है, जिसे ना कहना विधायकों, सांसदों और सरकार के लिए आसान नहीं होगा। निकाय और पंचायत के नेता चाहते हैं कि बराबर का व्यवहार होना चाहिए, जैसे विधायक सांसद को सैलरी और सुविधा मिलती है वही सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का तर्क है कि वो भी जनता के लिए काम करते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसीलिए सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। मामला सैलरी, पेंशन, सुविधा से जुड़ा है तो कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक हैं। मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका मानदेय भी जो है जैसे हमारे विधायकों को मिलता है ऐसी ही उसी तर्ज पे जो है उनको मानदेय मिलना चाहिए। और जो जैसे हमारे विधायक हैं उनको जो है पेंशन की सुविधा है, उनको बाय ईयर की सुविधा है, रेलवे की सुविधा है, ऐसी सुविधाएं जो है सभी जनप्रतिनिधियों को एक समान मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा ये कहना है जब विधानसभा के विधायक को, सांसद को, मिनिस्टर को, तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की एक नियत मानदेय है, वेतन मानदेय है, तो इन जो ये छोटी ग्राम सभाएं, जो ये छोटी इकाइयां हैं, इनका भी एक नियत मानदेय होना आवश्यक है। आने वाले दिनों में चुनाव से पहले ये मांग जोर पकड़ सकती है, तो सैलरी से सुविधाओं तक के लिए पैसों का इंतजाम सरकार को करना होगा, जो आसान काम नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकाय और पंचायत के लिए ये बड़ा मुद्दा है जिस पर फैसला कैबिनेट लेवल पर होगा, इसीलिए अभी वो कुछ कह नहीं सकते। अब चूंकि ये विषय नीतिगत है, इस पे बहुत ज्यादा मेरा बोलना भी उचित भी नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग सब बैठ के ऐसे निर्णयों पे, चूंकि कैबिनेट है, कैबिनेट निर्णय लेती है, अकेला मैं उस पर निर्णय नहीं ले सकता, कैबिनेट निर्णय लेती है, उसके बाद फिर हम लोग उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये विषय यदि आएगा तो हमारे कैबिनेट में इस पे फिर चर्चा करेंगे। साफ है, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक और गाँव के जो नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काम करते हैं, पर इस बार ये नेता वही सुविधा खुद के लिए भी चाहते हैं जो सांसद और विधायकों को मिलती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में विदेशी ताकतों ने बड़े पैमाने पर पैसा झोंका था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रोका जा सके।
उन्होंने गृह मंत्री से फॉरेन फंडिंग पर जांच की मांग की है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया। आपको बता दें कि साक्षी महाराज निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। विदेशी ताकतें पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं, मोदी जी टारगेट पर रहे और चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है तो विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगाया गया। और पौड़ी जिले की सरकारी भूमि में अवैध मजार बनाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां पर बीरोखाल ब्लॉक के जुखड़ी गांव में बने अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण काफी पहले से ही सरकारी भूमि पर किया गया था लेकिन प्रशासन की नजर में अवैध मजार के ना आने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं सूचना पर प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त किया। उधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अवैध मजारों को लेकर हमारा संगठन लगातार ज्ञापन दे रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये कहीं ये दूसरा कश्मीर ना बन जाए, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने जगह जगह ज्ञापन दिए थे जिला स्तर पे। और जो अवैध निर्माण करके मजारें बनाई जा रही हैं उन पे हमने अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गाँव में था तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए SDM को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। और सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन के बाद देहरादून जू में बुधवार को दो गुलदार बाड़े में रिलीज किए गए। अब जू जाने वाले टूरिस्ट को यहां गुलदार देखने को भी मिलेगा। 2.5 साल के इन गुलदारों को 2022 में नरेंद्र नगर और हरिद्वार डिवीजन से रेस्क्यू किया गया था। और उत्तराखंड के कई जिलों में बुधवार से मौसम बदला है और लोगों को करीब 10 दिन बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। बुधवार को राजधानी देहरादून में तेज बारिश हुई। तेज हवा के साथ आधे घंटे बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देहरादून के साथ पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भी बारिश से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन अलग अलग जिलों में इसी तरह से मौसम बदला रहेगा जिससे पहाड़ और मैदान में 4 से 5 डिग्री तापमान का कम होना है। साथ ही 23 और 24 जून से पूरे प्रदेश में मॉनसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो अच्छी खबर है, भीषण गर्मी झेलते हुए अगर बीच में बारिश आ जाती है तो उससे गर्मी से राहत मिली है। और उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर काफी अच्छी बारिश हुई है और अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे रहने वाला है। जो तापमान अभी हीट वेव की जो चीजें चल रही थी, हालांकि कल से भी 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कल भी हमको एक्टिविटी ठीक ठाक मिली है, लाइक से मॉडरेट जो है, तो अब आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर उसमें और कमी आएगी और मैं कहूंगा 1-2 दिन में जो टेम्परेचर मैं कहूंगा 4 से 5 डिग्री तक का जो है हिल्स में इसमें कमी आ जाएगा और मैदानी क्षेत्रों में भी कहूं तो 2-4 डिग्री तक का जो कमी यहां भी आ जाएगी। और चमोली में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे लोगों को एक और गर्मी से राहत मिली है। इससे भी 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है और इससे लोगों को और मौसम की करवट लेने के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से किसानों को भी काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो तपती गर्मी पर अब बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं कि इतनी भीषण गर्मी के बाद उन्हें राहत मिली है बारिश के तौर पर। और किसानों के लिए भी राहत की खबर लेकर आई है क्योंकि जो उनकी फसल लगी है उसके लिहाज से भी ये बारिश बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बारिश फसलों के लिए एक तरह से कहा जाए संजीवनी का काम कर रही है।
और लंबे समय के बाद पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। जिले के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी खासी राहत मिली। करीब घंटे भर हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से मुक्ति दिलाई, वहीं जंगलों में लगी आग को भी इस बारिश ने रोका है। बारिश होने से पेयजल संकट दूर होने की भी उम्मीद जगी है, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने पर अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए थे। वहीं बारिश की वजह से कई जगहों पर आंधी तूफान आया, विकासनगर में तबाही लेकर आया है। यहां पर शिमला बाईपास रोड पर एक गाड़ी के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश राहत तो लेकर आई, लेकिन कई जगहों पर आंधी तूफान आने की वजह से पेड़ सड़कों पर गिरे। और यहाँ पर तो विकासनगर की बात हम कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर एक गाड़ी में पेड़ गिर गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये जो कार सवार लोग थे वो बाल बाल बच गए, उनको सुरक्षित बाहर बच गए। भाई बच गए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर एक पेड़ गिर गया, जिसमें दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ को काटकर हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक जाम को खोला जा सका है। तो मौसम जरूर बदला है, लेकिन कुछ दुश्वारियां भी अपने साथ लेकर आया। हाईवे पर पेड़ गिरने से कई घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। और सरकारी विभागों में काम में देरी का हाल सिर्फ दूर दराज के इलाकों में ही नहीं होता, बल्कि राजधानी देहरादून में भी होता है। दरअसल दिसंबर 2022 में मॉडर्न इंदिरा मार्केट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ था। MDDA के साथ ये काम एक प्राइवेट एजेंसी कर रही थी। दावा था कि 14 महीने में एक मंजिल का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 10% ही काम हो पाया है। बुधवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, तो अब बताया जा रहा है कि साल 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। देहरादून के घंटा घर से सटे इस प्रोजेक्ट में 500 से ज्यादा दुकानें और 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग बनेगी। उस समय ये कहा गया था कि 14 महीने के अंतराल में हम दुकानें बना देंगे, किंतु बहुत लेट हुआ है, विलंब हुआ है काम में। और अब तो फाउंडेशन तैयार हो ही गई करीब करीब। मुझे लगता है कि 10-12% काम हुआ है, किंतु अब जब ऊपर बिल्डिंग बनेगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यानी कि 2026 तक का इन्होंने हमसे कहा कि 2026 तक हम क्लियर करके देंगे। हरिद्वार में यात्रा सीजन के दौरान मिलावट खोर सक्रिय हो गए हैं, जो बाहर से आने वाले यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोडा की बोतलों में गंदगी मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरिद्वार के होटल, ढाबों, अस्थायी दुकानों पर छापा मारा तो हकीकत सामने आई। कई दुकानों पर गंदगी से भरी बोतलें खुले बिकती नजर आई। इसके साथ ही दूध, पनीर, अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। आज हम लोगों के द्वारा 4 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें आज हमने पनीर भी जांच के लिए भेजा है और पनीर के साथ साथ सॉस और दूध वो जांच के लिए भेजा। और लगभग हमने आज 200 कुछ बोतलें हैं जो भी मिसब्रांडिंग की थी उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया है मौके पे। और कोटद्वार में पुराने सामान और वेस्ट मटेरियल से चिल्ड्रन पार्क का सौंदर्यकरण किया गया है। नगर निगम की ओर से चिल्ड्रन पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में तब्दील किया गया है, जिसमें पार्क में वेस्ट मटेरियल जैसे गाड़ियों के पुराने टायरों से टायर बेंच, टायर टॉप, वर्टिकल गार्डन और विंटेज कार बनाया गया है। वहीं प्लास्टिक की खराब बोतलों से सेल्फी प्वाइंट, इको बेंच बनाई गई है। इसके साथ ही पुराने सामानों का अनोखे तरीके से इस्तेमाल कर पार्क को सुंदर बनाने में इस्तेमाल किया गया है। एक पर्पज़ ये है कि हम एक मैसेज भी ये देना चाह रहे हैं कि एक तो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट जो है सिर्फ वेस्ट नहीं है, वेस्ट आज एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमने इसमें पुराने जो स्क्रैप मटेरियल हैं जैसे टायर्स हो गए, बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक के कई सामान, इन सब का यूज़ करके इसको बनाया गया। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कल्याणी के पास दिल्ली की यात्रियों की कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बचे। उत्तरकाशी में कई जगह पीने के पानी का संकट मंडरा रहा है, ग्रामीणों को पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है।
अल्मोड़ा के बिनसर में 4 वनकर्मियों की मौत मामले में परिजनों को स्थायी नौकरी की मांग है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। बागेश्वर कैंपस में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। देहरादून में कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए 250 से अधिक पेड़ काटने के प्रस्ताव का मामला धूल पकड़ रहा है। कई संगठनों ने पेड़ काटे जाने के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया। बागेश्वर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। कर्मचारियों ने डीएम से सैलरी दिलवाने की मांग की। रुद्रप्रयाग में पूर्व अपर सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों ने घेराव किया। इसके कार्यकाल में पुरोहितों के निजी भवनों में तोड़फोड़ की गई। हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल जिले की जिला योजना बैठक ली, जिसमें 70 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं को मंजूरी मिली। बागेश्वर के कपकोट में ग्रामीण इन दिनों बिजली का बिल देख खासा परेशान। अधिकतर ग्रामीणों के बिल हजारों में आ रहे हैं। हल्द्वानी में बरसाती नालों की सफाई कराई जा रही, ताकि बारिश होने पर सड़कों में बरसात का पानी ना पड़े।